और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम यहाँ पे क्लास टू डिस्कस कर रहे हैं वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए एग्रीकल्चर का टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। पिछले क्लास वन में हमने ग्लैंड्स और उनकी ग्रंथियों के बारे में देखा था। आज हम यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, इसमें क्या होता है। क्वेश्चंस का इनका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड, सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि किसके पास है, तो किस कंट्री के पास है? यूएसए के पास है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है। यानी उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो क्रॉप का जो पैटर्न है, इंडिया में क्रॉप को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको बताऊंगा, रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप और जायद की क्रॉप। तीन क्रॉपें होती, तीन फसलें होती हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। जो रबी क्रॉप है, इनका आपको ये ध्यान, यही आता है एग्जाम में, या तो आपको एग्जाम्पल पूछेगा इनमें से किसी के, या फिर इनका बोने का और उनके काटने का टाइम पूछेगा। तो अगर मैं रबी क्रॉप की बात करूँ, इसको हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं क्योंकि विंटर में जो है इसका काम होता है। तो रबी की क्रॉप जो है वो कब बोई जाती है? रबी क्रॉप बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में। आपको ये याद रखना है कि रबी की क्रॉप हमेशा अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है विंटर सेशन में, और काटी कब जाती है? मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में रबी क्रॉप काटी जाती है, और बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। वैसे अगर मैं बात करूँ कि खरीफ की क्रॉप की, तो खरीफ की क्रॉप हमेशा जो है रेनी सीजन में होती है। इसे बोया जाता है जून जुलाई में। कब बोया जाता है रबी क्रॉप? खरीफ क्रॉप को जून जुलाई में बोया जाता है, और काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। तो इसका उल्टा होता है, खरीफ की क्रॉप को बोया जाता है जून जुलाई में, और काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ जायद की क्रॉप की, तो जायद की क्रॉप को बोया जाता है कब? इसको ये समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में जो है इसको बोया, गर्मियों के सीजन में बोया जाता है जून जुलाई में, और काटा कब जाता है? जो है इसको काटा जाता है कब? जून में जो है इसको काटा जाता है, जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रबी की क्रॉप की। तो रबी क्रॉप में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, चना, जौ यानी वीट, ग्राम और बरेली, सरसों, मटर। ये पांच ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, या एग्जांपल आपने याद रखना है। ये सब आती हैं रबी की क्रॉप में। और अभी मैंने बताया कि रबी क्रॉप कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर यानी सर्दियों के सीजन में बोई जाती हैं, और कब काटी जाती हैं? मार्च से लेके अप्रैल के बीच में ये काटी जाती है। तो एग्जांपल आपने याद रखना है, जितने भी ये हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, सब रबी की क्रॉप के एग्जांपल हैं। खरीफ की क्रॉप की बात करूं तो खरीफ की क्रॉप में एग्जांपल क्या क्या हैं? चावल, बाजरा, कपास, मूंगफली, जो है पैडी, मक्का, जूट, ये सब खरीफ की क्रॉप हैं। और कब बोई जाती हैं? ये जून से लेकर जुलाई में खरीफ क्रॉप बोई जाती हैं। कब काटी जाती हैं? अक्टूबर से लेकर नवंबर में ये फसलें काटी जाती हैं। इसके बाद जायद की क्रॉप की बात करते हैं। तो जायद की क्रॉप हमेशा जो है इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, तरबूज, खरबूजा, मूंग और उड़द, ये सब इसमें आती हैं। कब बोई जाती हैं? मार्च में बोई जाती हैं, और कब काटी जाती हैं? जून में इनको जो है काटा जाता है, इन फसलों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट फसलों की बात करते हैं। चावल जो है, चावल की बात का, अगर मैं राइस की बात करूँ, पैडी, धान की, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल को किस कंट्री में प्रोड्यूस होता है, तो कौन है? चाइना सबसे ज़्यादा चावल प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद कौन करता है? भारत करता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल कौन प्रोड्यूस करता है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कौन करता है? पंजाब में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। ठीक है, पंजाब में की अगर मैं बात करूँ तो पश्चिम बंगाल में एक साल में चावल की तीन फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, कौन कौन सी फसलें होती हैं? वो होती हैं क्या? अमन, ओस और बोरा। ये चार तरह की जो है स्पीसीज यहाँ पे उगाई जाती हैं मेनली। बात अगर मैं गेहूँ की बात करूँ तो गेहूँ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूँ चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है, यही पैटर्न धान में भी है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, सबसे ज़्यादा वीट गेहूँ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और उसके बाद कहाँ? हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। तो भारत की मुख्य जो फसलें हैं एग्रीकल्चर में कौन कौन सी हैं? चावल और गेहूं हैं। ठीक है, मक्के की अगर बात करूं, मेज़, तो मक्के के उत्पादन में
प्रथम राज्य कौन से हैं इंडिया में? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पाया जाता है? यूएसए में, अमेरिका में पाया जाता है। कॉफ़ी भी इस तरह से आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में। असम मत लिख लेना, असम में चाय होती है। क्या होती है? चाय होती है। कॉफ़ी कर्नाटका में होती है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है पूरे वर्ल्ड में? ब्राज़ील में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है। अब देखिए, कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहते हैं। आपको याद रखना है कि कॉफ़ी के गार्डन को जो है वहाँ पे, कहाँ पे? ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। कपास की बात करूँ तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है, उसके बाद गुजरात प्रोड्यूस करता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा कपास कॉटन कहाँ होता है? चाइना में होता है। कहाँ होता है? चाइना में, उसके बाद भारत में होता है। उसके बाद रबड़ की बात करूँ तो रबड़ सबसे ज़्यादा इंडिया में केरल में होता है, उसके बाद तमिलनाडु में होता है, और सबसे ज़्यादा रबड़ पूरे वर्ल्ड में थाईलैंड में होता है, उसके बाद इंडोनेशिया में होता है। थर्ड नंबर पर कौन है? हमारी कंट्री, प्यारा भारत है। ठीक है, गन्ने की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा गन्ना जो है कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? विश्व में, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, उसके बाद भारत में, और क्यूबा में थर्ड नंबर पे होता है। इंडिया की बात करूँ तो यूपी में सबसे ज़्यादा जो है गन्ना प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखिए, चाय की बात करूँ तो असम सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पूरे वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर रिवॉल्यूशन, इनके बारे में बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जब किसी फसल के प्रोडक्शन में, उत्पादन में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और आपको पता है कि आज़ादी के बाद भारत ने कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, तो तब से लेके कई सारी क्रॉप्स में जो है रिवॉल्यूशन हुआ है। तो क्रांतियां देखिए किन किन क्रॉप में आई, तो हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको दो चीज़ें याद रखने की, ग्रीन रेवोल्यूशन और वो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आई ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के? M.S. स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? गेहूं और धान से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मछली के उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? प्याज या फिर झींगा मछली के उत्पादन से। ठीक है, उसके बाद येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहनी फसलों के उत्पादन से। उसके बाद ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से। उसके बाद थूसर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से। उसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? एग या फिर मुर्गी पालन से। और गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बात करता हूँ कि हरित क्रांति क्या है। यहाँ पर देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसकी शुरुआत 1967 से 66 के आसपास हुई थी। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो है M.S. स्वामीनाथन है, अब यहाँ पे बताया मैंने आपको। और कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये मैंने पीछे बताया भी था आपको। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। फादर ऑफ रेवोल्यूशन कौन है? जो है M.S. स्वामीनाथन है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, कल्याणी सोनार सोनालिका ये जो है गेहूं की दो किस्में हैं। कल्याणी सोनार सोनालिका जो है गेहूं की दो किस्में हैं। उसका श्वेत क्रांति वाइट रेवोल्यूशन, इसकी शुरुआत करीब करीब 1970 में होती, मिल्क से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक, ये आपको याद रखना है, स्टार लगा रहा हूँ इस पर, वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। इन्होंने भारत में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल इंडिया की स्थापना की थी। अमूल की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे देखिए, अमूल की फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात में है ये, बहुत ही फेमस, तब से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूध यहाँ से होता है। ठीक है, इसके बाद बात करूँ ब्लू रेवोल्यूशन की, तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात और केरल हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करूँ कि ये सब इतना ही है, अब इनसे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और अच्छी ना लगी हो तो झेलने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।